एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिल्ली हिंसा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह किसानों के नाम पर देश विरोधी ताकतों का तांडव था जिसे माफ नहीं किया जा सकता। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों की ट्रैक्टर मार्च को अनुमति मिलने के बाद भी जिस तरह की अराजकता और हिंसा हुई उसे लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने तांडव मचाया है, यह लोग किसानों का भला होते नहीं देख पा रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को वह फायदा भी मिलेगा जो अब तक केवल शहरी और व्यापारी उठाते रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के फायदे के लिए बौखलाई कांग्रेस कम्युनिस्ट और आपसे जुड़ी देश विरोधी ताकतों ने किसानों को बहलाकर आंदोलन शुरू कर दिया और दिल्ली में किसानों के नाम पर जो उत्पात मचाया वह निंदनीय है, यह घटना माफी के योग्य नहीं है। मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी की है। दिल्ली में जिस प्रकार की अराजकता किसानों के नाम पर असामाजिक तत्वों ने देश विरोधी लोगों ने की है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि हमारा किसान भोला भाला है। उसको भड़काकर और उसको बदनाम करने के लिए देश विरोधी लोगों ने आज तांडव किया है दिल्ली में, इसकी आशंका पहले से ही थी। और कुछ किसानों के नाम पर जिस प्रकार जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए वो भी निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूं और ये देश हित में कदापि नहीं हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब और किसानों के मसीहा, आजाद भारत में 73 साल में गांव को आर्थिक आजादी नहीं मिली थी, उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाकर गांव को किसान को आजादी दिलाई, गांव के विकास के द्वार खोले, 1,00,000 करोड़ से अधिक राशि किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों के सीधे डलवाई। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, किसान आत्मनिर्भर हो, खेती के घाटे का धंधा लाभ का धंधा बने, उन लोगों ने किसानों को भड़काया। उसमें विरोधी पार्टियां कांग्रेस कम्युनिस्ट आप जैसे दुनिया भर की जितनी पार्टियां हैं वो सब उसमें जिम्मेदार हैं और उन्हीं लोगों ने आज ये हिंसा की है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो इस हिंसा में हैं और जिनके पीछे हाथ है उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस प्रकार देश को कमजोर, देश और किसानों को बदनाम करने का जो काम करा रहे हैं उनको सजा मिल सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।